हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी बुक से। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे आइए हम लोग देखते हैं 0.375, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 375/1230, यानी इसको हम फैक्टर्स निकालेंगे। अगर हम 375 का तो 5 7 5 5 5 1 5 5 5 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 का पावर 3 3, और 1000 का जब हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 10 to the power, डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं 10 to the power 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3 into 3 by 2 into 5 का पावर whole power 3, यानी इसको फाइनली लिख सकते हैं हम लोग 5 to the power 3 into 3 by 5 to the power 2 to the power 3 into 5 to the power 3। अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आता है 3/8, यानी हम कह सकते हैं कि नीचे में सिर्फ अगर पावर 2 का कुछ पावर है तो भी हमको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल था। क्या था, यहां देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3, यानी कि कोई ऐसा नंबर हो जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसका डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 का कुछ पावर भी आ सकता है। ये था एग्जांपल नंबर 1। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मान लीजिए 0.104, इसको क्या लिखेंगे 104/1000, तो 104 का फैक्टर्स निकालते हैं। क्या है 2 to the power 3 into 13, और फिर इसको 1000 को लिखेंगे 10 to the power 3, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2 into 5 का पावर 3, इसका मतलब हो गया 2 का पावर 3 into 13 by 2 to the power 3 into 5 to the power 3, ये कट जाएगा तो फाइनली हमको क्या आ गया 13/5 to the power 3। तो क्या देखे हम लोग कि अगर हम लोगों का टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो नीचे में डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 का पावर कुछ भी रहने से n यहां आ सकता है। यहां पे देखिए 2 का पावर कुछ भी रहेगा, यहां मान लो 3 आएगा, कुछ भी रहने से आता है, और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, तीसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक मान लीजिए हम लोग लेते हैं 0.0875, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग 875/1234, तो 875 का फैक्टर्स निकालिए 5 17 5 5 5 3 5 5 5 7, तो क्या आया 5 का पावर 3 into 7, इसको लिखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे 10 to the power 4, तो इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 3 into 7 by 2 into 5 का पावर 4, तो जाएगा 5 to the power 3 into 7 by 2 to the power 4 into 5 to the power 4। अगर 3 बार 5 का पावर हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये क्या बचेगा हम लोगों को 2 to the power 4 into 5। तो हम लोग फिर क्या कंक्लूजन पे आए कि अगर डिनोमिनेटर में हमारा 2 रहता है उसका पावर कुछ रहता है, कोई भी डिजिट रहेगा, और यहाँ पे 5 रहता है उसका पावर भी कुछ भी रहे, यहाँ 1 time आया है, तो भी हमको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है। तो अब हम लोग आएंगे थ्योरम पर, जो थ्योरम में बताया गया हम लोगों को कि लेट p/x = a rational number such that it can be expressed in the form of p/q such that the prime factorization of q is of the form 2 to the power m and 2 to the power n, where n and m are non
negative integers, then x has a decimal which terminates. यानी यही बात कहा गया हम लोगों को कि अगर कोई एक चीज यहां समझिए, हम यहां पर 5 नहीं है तो हम लिख सकते हैं उसको 5 to the power 0, यहां हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power 0. तो यानी ये जो नीचे में 5 और 2 है, अगर कोई एक रहता है, सिर्फ 2 रहता है या सिर्फ 5 रहता है या दोनों रहता है, नॉन नेगेटिव पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर, ये नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए या नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर. तो हम लोगों को क्या आता है, नॉन नेगेटिव नंबर आता है, यहां पे तो 1 है तो नॉन नेगेटिव नंबर आता है इंटीजिंग, नॉन नेगेटिव नंबर आता है तो क्या होता है, ये हम लोगों का टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है. ठीक है, तो क्या देखते हैं हम लोग इसी थ्योरम में ये बात को समझाया गया है. और दूसरा थ्योरम एक हम लोगों को दिया गया है कि अगर p by q एक रेशनल नंबर है इस तरह से कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n एंड 5 to the power m व्हेन n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग यानी रिकरिंग. अगर इसका 2 to the 2 or 5 के अलावा पावर कुछ और रहेगा तो उसका क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और आपका रिपीटिंग आएगा. दूसरा थ्योरम में कहा गया है कि अगर कोई नंबर है x और उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है p by q के रूप में इस तरह से कि q का जो फैक्टराइजेशन है प्राइम फैक्टर्स है वह नहीं है इक्वल टू 2 का पावर m और 5 का पावर n में, वेयर m और n जो है नॉन नेगेटिव नंबर है. अगर ऐसा एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होगा. उसका जो डेसिमल के रूप में हम लोग लिखेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 नंबर 1 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 13 by 3125. तो इसको एक्सप्रेस करके देखेंगे हम लोग. 13 ऊपर में फैक्टराइजेशन नहीं होगा इसका. अब 3125 का फैक्टर्स निकाले, 5 6 5 2 5 5, 5 1 2 5 5 2 5 5 5 5. तो क्या हो गया, ये 5 का पावर कितनी बार हो गया, 5 बार. तो हम लोग थ्योरम में देखे थे, मैं इसको स्टार्ट करने से पहले जो थ्योरम बताया था उसमें बताया था कि या तो हमको p ऊपर में रहे कुछ q जो है, ये q का पावर क्या होना चाहिए, ये q जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 2 का कोई पावर हो या 5 का कोई पावर हो, m या n कुछ भी, या दोनों होना चाहिए तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है. हम लोगों को यहां पूछा विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना नंबर डिवाइड के बताइए कौन इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल है. तो यहां हम लोगों का ये रूप आया, ये वाला हमको मिल रहा है, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल. नेक्स्ट पार्ट 2 से बोला 17/8. 17 by 8 है तो 17 कॉर्ड इसको हम लोग इधर कैंसिल नहीं करते, लोएस्ट फॉर्म में है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 3. तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टीडी मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल. और थर्ड शॉर्ट में याद दे रहा हूं, टीडी मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल, आप लोग पूरा लिखेंगे. नेक्स्ट 64 by 4 to 5 5, कैंसिल नहीं होता है ये दोनों, तो 64 ही रहेगा. 455 का फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या हम लोगों को बताया गया कि अगर इसके अलावा कुछ रहे ऐसा कि वो फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में है, यहां देखिए 5 तो है, 13 है, 7 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन
टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि यहां टू और फाइव के अलावा और कोई है और ऐसा नंबर है जो इसको कैंसिल नहीं करता है। अगर कैंसिल कर देता उसका सिर्फ फाइव बचता तो इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता। पार्ट फोर, 15/1600। देखिए यहां पर देखिए अभी ये वाला बात क्लियर हो जाएगा। यहां पर 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, 1600। 1600 को लिख सकते हैं हम लोग, 16 को लिखेंगे हम लोग, फैक्टर्स निकाल लीजिए। 16 का 2 800, 2 इतना 200, 2 100, 2 50, 2 25, 5 5 5 5 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600। अब देखिए यहाँ कितनी बार हो गया, ये 2 × 2 = 4 × 6 बार, 2 to the power 6, 5 कितना बार, 2 बार हो गया। तो यहाँ तो लोएस्ट टर्म में हम इसको लिखने से पहले हम लोग कैंसिल कर सकते थे या नहीं किए तो यहाँ पे भी कर लेंगे। आप पहले कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं भी कर पाए मान लीजिए भूल गए तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 to the power 6 × 5। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर 2 का कोई पावर रहे, 5 का कोई पावर रहे और नंबर ऐसा है कि नॉन नेगेटिव नंबर हो तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, पार्ट 5, 29/343। तो ये तो कटेगा नहीं, 343 का फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग 7 से, 7 4 जा 7 9 जा 7 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 का पावर 3 टाइम्स। तो यहां देखिए ना 2 है ना 5 है ना दोनों है, तो ये आपका सिंपली आप लिख दीजिएगा क्या हो जाएगा, ये नन, शॉर्ट में नहीं लिखे, यहां पर लिख देते हैं शॉर्ट में NTD, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आप पूरा लिखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और आर भी लगा सकते हैं, नॉन NTR, NTR। सिक्स नंबर, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यहां पे हम लोग TD लिखेंगे। पार्ट सिक्स देखते हैं, 23/2 to the power 3 × 5 to the power 2 है, तो ये तो कैंसिल नहीं होता है, 23 किसी नंबर से हम लोग जानते हैं। और यहां देखिए क्या दिया हुआ है, 2 to the power 3 या 5, यानी इसी रूप में है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख समझ सकते हैं कि इसका क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आप लिखिए TD, टर्मिनेटिंग डेसिमल, आप लोग फुल लिखिएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट 7, 129/2 to the power 2 × 5 to the power 7 × 7 to the power 5। तो यहां देखिए बताया गया या तो सिर्फ 2 to the power 5 रहना चाहिए, 5 to the power, या ये रहना चाहिए। हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, क्या ये कटता है 129 7 से, नहीं कटेगा, इसीलिए इसका मतलब यहाँ पे एक बार भी दो बार भी रहे कटेगा ही नहीं एक्चुअली में। तो ये जब नहीं कटेगा तो आप यहां लिख दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 8 नंबर, 6/15, ये तो आराम से जानते हैं हम, कट जाएगा, क्या लिखाएगा 2 × 3/5 × 3, ये कट गया, 2 × 3 = 5 आया। तो हम लोग क्या पढ़े, नीचे में ये है सिर्फ 5 है, पावर क्या है 1 है, ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। 9 दिया 35/50, इसको आप लिख सकते हैं 5 × 7/5 × 5 × 2, एक बार 5 5 कट गया तो क्या बच गया 7/5 × 2, पावर क्या है 1 1, कुछ नहीं यानी 1 1 है, नहीं लिखते हम लोग, तो ये फॉर्म आया, इसीलिए क्या होगा टर्मिनेटिंग
डेसिमल। टेन सेवन इंटू इलेवन, सेवन इंटू थ्री इंटू टू इंटू फाइव आपका फैक्टर्स निकालेंगे, सेवन सेवन कैंसिल हो गया, थ्री इंटू टू इंटू फाइव कैंसिल करने के बाद भी टू और फाइव के अलावा हम लोगों को कुछ बच जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर टू में हम लोगों को कहा जा रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन वन अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी जिसका जिसका हम लोगों को टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिस वजह से हम लोग टी डी लिखे थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखे थे, उसका हम लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो वापिस आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर वन में, तो क्वेश्चन नंबर टू इसमें किसमें था टर्मिनेटिंग डेसिमल, पार्ट वन में हम लोगों का था टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको लिखना है 13/3125, इसको लिखते हैं इस तरह से, हम लोग 3125 का फैक्टर्स तो निकाल ही चुके थे हम लोग, तो वहां पे क्या देखते हैं कि 5625 5125 5 2555 क्या था हम लोग का 5 का पावर 5 टाइम्स था, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल लाना है, तो क्या कीजिए आप इसको इस ढंग से कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उतना ही पावर के साथ ऊपर नीचे दोनों, ये हो जाएगा 5 टाइम्स में कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 2 4 8 16 32 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 से, 3 2 6 3 9 2 3 6 4 1 4 1 16, अब ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा 5 2 10 का पावर 5, यानी इस तरह से हो जाएगा। आप लोग डेसिमल कैसे बैठाइएगा, 3 डिजिट 3 0 यहाँ से उसका 0.0, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालने का तरीका हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट कौन सा था हम लोगों का टर्मिनेटिंग डेसिमल का, 8 नीचे में, तो 8 वाला भी था, इसका मतलब हम लोग करके देखते हैं रॉन्ग होगा तो फिर चेक कर लेंगे हम लोग, 17/8 तो क्या है 17, ये तो कैंसिल है, इसको 2 पावर 3 लिखे, तो आप लिख लीजिए 5 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, अब क्या हो जाएगा, मतलब हम लोग का मकसद क्या है, कैसे हम लोग ला रहे हैं इसको, मकसद है हम लोग का नीचे में 10 लाना, 10 लाएंगे तो डेसिमल रूप आराम से लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 5 25 होगा, 17 से करेंगे 7 5 35 हैंड 3 14 3 17 हैंड 1 7 7 1 8 ये हो गया 125, 5 7 5 12 हैंड 1 8 10 11 हैंड 1 1 2 कितना आया 2125 by 10 to the power 3 हो जाएगा 2.125। नेक्स्ट पार्ट कौन सा था, नेक्स्ट वाला ये तो 445 है, 1600 ये वाला पार्ट 4 का जहाँ है 15/1600 में था हम लोगों का टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इसको पहले लोएस्ट टर्म में हम लोग कर लेंगे 5 3 15 5 3 15 5 2 10 0 यानी कि 3/320 आया। अब 320 का फैक्टर्स निकाल लीजिए, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये दिखाएगा इस तरह से 3/2 का पावर 3 6 टाइम्स और 5 1 टाइम का पावर, 1 तो नहीं लिखते हैं, तो हम लोग को इक्वल बनाना है 2 और 5 का पावर, यहाँ लिखेंगे 3 into 5 का पावर 5 बार हम ऐड करेंगे, तब ना यहाँ भी हमारा क्या होगा, एक बार आए पहले से एक बार और ऐड करेंगे 6 बारों के लिए, तो ये क्या होगा 5 into 5 25 25 into 25 5 5 25 and 2 5 25 and 2 1 ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं 3 से 75 3 3 3 9 तो ये हो गया 9 3 7 5 अब आई हो जाएगा
कितना 5 + 10 10 का पावर 6 टाइम, तो 6 टाइम्स में आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा आंसर 0.00937 नंबर पार्ट 6। अब इसकी जरूरत नहीं रही, इसको मिटा देते हैं हम लोग। इसमें क्या दिया है 23/2^3 × 5^2। देखिए यहाँ 2 3 × 5 = 2, यानी एक बार और आप बढ़ाइएगा, यहाँ भी एक बार आप बढ़ाइएगा, तो क्या हो गया 5 × 15 = 11/2^3 × 5^3, क्या हो गया 115/10^3, 115/1000, यानी हो जाएगा 0.115। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोगों का कौन सा है टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला, नेक्स्ट वाला तो 7 है, वो तो नॉन टर्मिनेटिंग था, 8 नंबर में क्या 6/15, इसको लोएस्ट टर्म पहले कर लेते हैं, 3 2 जा 3 5 जा, तो हो गया 2/5, तो 5 1 टाइम है, तो 2 भी 1 टाइम कर लेंगे, ऊपर भी 1 टाइम कर लेंगे, 4/10, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 0.4। नाइन है क्या, हाँ नाइन है टर्मिनेटिंग डेसिमल। 35/50, 5 7 जा 5 10 जा, डायरेक्ट तो आपको आ गया 0.7। उसके बाद तो 210 है, यहाँ 7 7 कट जाता है, लेकिन 3 बच जाता है एक्स्ट्रा, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, यानी हम लोगों को बताना है कि इसका जो रैशनल होगा कि नहीं होगा, और ऑफ द फॉर्म पीपल क्यू व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कहेंगे। तो हम लोग फिर वही वाला लिखते हैं कि अगर पी बाई क्यू के रूप में कोई रैशनल नंबर एक्सप्रेस किया जा सकता है तो क्यू क्या होना चाहिए, या तो इक्वल टू 2^2 एनीथिंग, या 5^2 एनीथिंग, या फिर हम लोग का होना चाहिए दोनों, है ना, यही होना चाहिए। तब हम लोग देखते हैं, यहां पर आते हैं, दिया है 43.12345678 9, तो ये क्या है, इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर इरेशनल रहता है या इसी को हम लोग कहते हैं नॉट रेशनल, याद कीजिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि इरेशनल रहता है या नॉन नॉट रेशनल रहता है, तो मैं एक्सप्लेन किया था कि इर रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, नॉन लगा दीजिए, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीट टर्मिनेटिंग। और अगर कोई डेसिमल नंबर का फॉर्म जो है रेशनल है, यानी कि जो डेसिमल दिया हुआ उसका नंबर रेशनल नंबर है, यानी किसी रेशनल नंबर का वो डेसिमल फॉर्म है, तो उसका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और आपका नॉन रिपीटिंग होगा, या अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो क्या होगा, ये रिपीटिंग होगा। अब हम उसी के आधार पे कह सकते हैं यहां पे कि पहला वाला पार्ट हम लोगों को दिया हुआ है, क्या ये टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये वाला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये रैशनल नंबर हो गया। पूछा क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी आइदर 2^m और 5^n और 2^m एंड 5^n, दोनों होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा या फिर दोनों होगा। पार्ट टू में हम लोगों को क्या दिया है, 0.12010012000120 और .. यानी इसमें देखिए ये क्या है, ये आपका क्या हो रहा है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, ये आपका क्या हो गया, इरेशनल। यानी आपसे पूछा रैशनल या नॉट रैशनल, तो आप लिख दीजिए नॉट रैशनल। बोला व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, है ना, तो क्या लिखिएगा आप इसके बारे में,
कि लिखिए आप कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी अदर देन 2 and 5, यानी 2 और 5 के अलावा और भी सब कुछ फैक्टर्स होगा। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में दिया गया 43.12345678 9 बार, यानी कि ये रिपीट हो रहा है, यहां से रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, रिपीट हो रहा है, खत्म नहीं होगा, और रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल कहेंगे, रेशनल है ये। अच्छा, अब बोला गया है कि बताइए उसका क्यू का फैक्टर के बारे में, तो लिख दीजिए आप यहां पर कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी आइदर, यही वाला लिखेंगे, आइदर 2 to the power m और 5 to the power n और 2 to the power m 5 to the power n बोथ। हम लोग यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल ऑल्सो हैव ए फैक्टर अदर देन 2 और 5। तो इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 बढ़िया ढंग से समझाया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, नीचे आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो, एक्सरसाइज समझ में आया हो, तो हमारे इस चैनल पे और आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।